हेलो दोस्तों, मैं प्रशांत आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एक वीडियो टू कम्युनिटी में स्वागत करता हूं। तो आज हम इस वीडियो में ऑप्शंस ट्रेडिंग के ऊपर बात करने जा रहे हैं और यहां पे आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि ऑप्शंस बाइंग में हम टाइम डिके से कैसे बच सकते हैं। अब जो भी लोग ऑप्शंस में ट्रेडिंग करते हैं उसमें से लगभग 80-90% लोग ऑप्शंस में बाइंग करते हैं, और अगर आप ऑप्शंस में बाइंग कर रहे हो तो टाइम डिके जो होता है वो आपका सबसे बड़ा इनिमी के रूप में काम करता है, क्योंकि दो तरीके से आपको वो हैम्पर करता है। सबसे पहला, वो आपके लॉसेस को इंक्रीज करता है, जहां पे कम लॉस होना चाहिए वहां पे हमें ज्यादा नुकसान होता है, और वो आपके प्रॉफिट को भी मिनिमाइज करता है। इसलिए ऑप्शंस बाइंग में हमें टाइम डिके के बारे में पता होना चाहिए और इससे कैसे बच सकते हैं, इसके लिए आप इस वीडियो में लास्ट तक बने रहे। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको भी सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इस तरह के क्रूशियल इन्फॉर्मेशन जो आपके फायदे की बात होती है वो हम रेगुलर बेसिस पे आपके साथ शेयर करते रहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हम चार्ट पे आ गए। आगे बढ़ने से पहले यहाँ पे मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा। आज अगर हम बैंक निफ्टी को देख ले तो बैंक निफ्टी आपका ओपन कहाँ पे हुआ, अगर हम इसके ओपनिंग पॉइंट को देख ले तो 42,960 के करीब ओपन हुआ है, और यहां से अगर हम बात करें तो आपका 43,160 के करीब ट्रेड करता हुआ हमें देखने को मिल रहा है। यानी यहां से लगभग हमें 200 पॉइंट से ज्यादा का अपसाइड मूव हमें बैंक निफ्टी में अभी देखने को मिला है, अगर हम स्पॉट में बात करें या डिलीवरी में बात करें तो। वहीं यहाँ पे अगर हम एक स्ट्राइक प्राइस के कॉल ऑप्शंस को बाई करते हैं, यानी यहाँ पे हम 43,800 के स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शंस को बाई करते हैं, तो ये आपका ओपन किस लेवल पे हुआ है? ये जो आपका ओपन हुआ है 2090 यानी 21 के करीब ओपन हुआ है, और अभी आपका 24 के आसपास ट्रेड कर रहा है। यानी यहाँ पे सिर्फ हमें 3-4 पॉइंट का ही प्रॉफिट मिलता हुआ दिख रहा है ऑप्शंस ट्रेडिंग में। वहीं यहाँ पे अगर हम दूसरे स्ट्राइक प्राइस पे आते हैं, यानी यहाँ पे अगर हम 43,000 के कॉल ऑप्शंस को बाई करते हैं उसके जगह पे, तो यहाँ पे मुझे कितना प्रॉफिट मिल रहा है? ये ओपन हुआ, हम ओपनिंग लेवल से देख रहे हैं, ये ओपन हुआ 209-210 हम राउंड फिगर में ले लेते हैं, और अभी ये 310 के करीब मूव करता हुआ दिख रहा है। यानी लगभग यहाँ पे हमें 100 पॉइंट का प्रॉफिट आसानी से मिलता हुआ दिख रहा है। तो बैंक निफ्टी ने आपका लगभग 200 पॉइंट का मूवमेंट दिया, तो एक स्ट्राइक प्राइस हमें 100 पॉइंट का प्रॉफिट दे रहा है, जबकि एक स्ट्राइक प्राइस हमें लगभग 4-5 पॉइंट का प्रॉफिट ही दे रहा है। अब ऐसा क्यों हो रहा, हम यहाँ पे कुछ ना कुछ गलती करें, क्या गलती करें यही हमें समझने की जरूरत है, और इस गलती को हम कैसे दूर कर सकते हैं यही चीज यहाँ पे हमें समझना है, और यही चीज हम इस वीडियो में आपको बताने जा रहे हैं। तो चलिए इसको देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको एक चीज क्लियर कर देना चाहूंगा कि अगर आप ऑप्शंस बाइंग में टाइम डिके से बचना चाहते हैं तो आपको तीन चीज करने की जरूरत है। बेसिक चीजें, ज्यादा कोई डिफिकल्ट नहीं है। सबसे पहले आपको किस पे फोकस करना है, आपको स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन पे फोकस करना है, जो कि मैंने अभी जस्ट आपको बताया कि आप कौन सा स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट करेंगे वो बहुत ज्यादा मैटर करता है। ऑप्शन चेन पे अगर हम आते हैं तो दो चीज हमें देखने को मिलता है, जो आपका एट द मनी है, इससे नीचे अगर हम बात करें ITM जो इन द मनी आपका ऑप्शंस होता है, उसमें आपको इंट्रेंसिक वैल्यू देखने को मिलेगा। लेकिन अगर आप जैसे OTM पे आ जाते हैं, यहां पे आपको सिर्फ और सिर्फ टाइम वैल्यू देखने को मिलेगा, यहां पे आपको इंट्रेंसिक वैल्यू जीरो देखने को मिलेगा, सिर्फ टाइम वैल्यू है। यहां पे आपका टाइम वैल्यू प्लस इंट्रेंसिक वैल्यू दोनों मिला के ऑप्शंस प्रीमियम होता है, लेकिन OTM की अगर हम बात करें तो यहां पे सिर्फ और सिर्फ आपको टाइम वैल्यू ही देखने को मिलता है। मतलब अगर प्राइस में ज्यादा मोमेंटम नहीं आया या फिर थोड़ा बहुत भी मोमेंटम आया तो आपको ज्यादा प्रॉफिट मिलता हुआ नहीं दिखेगा। तो यहाँ पे अभी देखिए प्राइस आपका 43,200 के लेवल पे ट्रेड करता हुआ दिख रहा। हमने क्या किया था, एक स्ट्राइक प्राइस लिया था 43,000 जो कि आपका ITM था। तो हमेशा आपको इन द मनी ऑप्शंस में ही ट्रेड करना है। यहाँ पे आपको पैसा थोड़ा ज्यादा लगता है, लेकिन आपका जो ट्रेड होता है काफी हद तक यहाँ पे सिक्योर होता है, काफी हद तक आप एट द मनी पे जा सकते हैं। अगर आप एट द मनी नहीं बाई कर पा रहे तो आप और ज्यादा पैसे के उपाय कीजिए, तब आप ऑप्शंस में ट्रेडिंग कीजिए, नहीं तो ऑप्शंस में ट्रेडिंग करने की जरूरत नहीं है, ये मैं आपको क्लियर बता रहा हूं। और उसी के जवाब में हमने 43,800 डीप OTM कॉल ऑप्शंस को यहां पे हमने बाई किया था, तो यहां पे 200 पॉइंट के मोमेंट पे भी हमें सिर्फ 2-3 पॉइंट का प्रॉफिट मिलता हुआ दिखा था, जो कि आपका ब्रोकरेज में ही डिडक्ट हो जाएगा, यहां पे आपको लिटरली कोई प्रॉफिट नहीं मिलेगा, जबकि 43,000 के स्ट्राइक प्राइस से लगभग हमें 100 पॉइंट का प्रॉफिट मिलता हुआ दिख रहा है।
तो ऐसे ही आपको हमेशा इन द मनी में ट्रेड करना, जिससे आपको थोड़ा बहुत भी मूवमेंट हो, 200 पॉइंट का मूवमेंट हो, अगर 100 पॉइंट का मूवमेंट होता तो यहाँ पे आप लॉस में चले जाते, लेकिन यहाँ पे आप लगभग 50 पॉइंट के प्रॉफिट में रहते। तो आपको छोटा सा मूवमेंट में भी प्रॉफिट मिलता हुआ दिखेगा। तो सबसे पहला पॉइंट, आपको स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन पे फोकस करना है। उसके बाद हम दूसरे पॉइंट के ऊपर बात करते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है कि हमें रेंज बाउंड मार्केट में ट्रेड नहीं करना है। जब भी रेंज बाउंड मार्केट हो यहाँ पे हमें ट्रेडिंग अवॉइड करने की जरूरत है। अब रेंज बाउंड मार्केट को हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, ये भी बहुत बड़ा क्वेश्चन रहता है, और जो बिगनर्स रहते हैं, जो मार्केट में नए एंट्री करते हैं, उनको यही नहीं पता चल पाता है कि अभी रेंज बाउंड मार्केट है या फिर ट्रेंडिंग मार्केट है। और जब भी आपका ट्रेंडिंग मार्केट है, मार्केट में कोई भी ट्रेंड रहे, ये परफेक्ट टाइम रहता है जब हम क्या कर सकते हैं, ऑप्शंस बाई करके प्रॉफिट बना सकते हैं। तो ट्रेंडिंग मार्केट और रेंज बाउंड मार्केट को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, चलिए वो देखते हैं। तो यहाँ पे आपके सामने काफी क्लियर कट एग्जांपल मैं देने जा रहा हूं, जिससे आप आसानी से समझ जाएंगे रेंज बाउंड मार्केट है या फिर ट्रेंडिंग मार्केट। सबसे पहला, मार्केट आपका एक पार्टिकुलर इस तरह से रेंज के बीच में अगर मूव करता हुआ दिखे, यानी आपका पैरेलल चैनल पैटर्न का फॉर्मेशन करे, तो वहां पे आपको समझ जाना है कि क्या है, ये आपका एक रेंज बाउंड मार्केट है। और जब तक इस रेंज के बीच में मूव कर रहा है, तब तक हमें क्या करना, ऑप्शंस बाइंग अवॉइड करना है, एक पॉइंट के लिए। दूसरा, अगर कहीं भी हमें प्राइस में कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिल रहा है, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आपका ट्रायंगल पैटर्न का फॉर्मेशन कर रहा है, यानी जब कभी भी ट्रायंगल पैटर्न बन रहा तो हमें जनरली प्राइस में कॉन्ट्रैक्शन ही देखने को मिलता है। यहाँ पे देखिए प्राइस में मूवमेंट ज्यादा है, धीरे धीरे कम होता जा रहा है, तो यहाँ पे भी हमें ट्रेडिंग अवॉइड करना है जब तक प्राइस में कॉन्ट्रैक्शन जारी है। उसके बाद एक और एग्जाम्पल यहाँ पे आपको बताना चाहूंगा, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ एग्जाम्पल आएगा, लेकिन जहाँ भी प्राइस में कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिले यहाँ पे आपको ऑप्शंस बाइंग अवॉइड करने की जरूरत है। फिर हमें ऑप्शंस में ट्रेड कब लेना, ये आपके मन में क्वेश्चंस आ रहा होगा, चलिए इसको यहाँ पे हम आंसर करते हैं। तीसरा पॉइंट जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि हमें ट्रेड कब करना है, जब हमें क्या देखने को मिले, ब्रेकआउट देखने को मिले या फिर ब्रेकडाउन देखने को मिले, हमें मार्केट के डायरेक्शन से कोई फर्क नहीं पड़ा, मार्केट ऊपर जाओ नीचे जाओ कोई मतलब नहीं है, हमें बस प्रॉफिट मिलना चाहिए, यानी यहाँ पे हम ब्रेकआउट को प्ले करेंगे या फिर ब्रेकडाउन को प्ले करते हुए ट्रेडिंग पोजीशंस यहाँ पे हम इनिशिएट कर सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक और चीज बताना चाहूंगा कि अगर आपको ऑप्शंस के बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन चाहिए, फ्रॉम बेसिक टू एडवांस, फ्रॉम जीरो लेवल टू हायर लेवल, उसके लिए हमने स्पेशल सा कोर्स डिजाइन किया, उसके लिए आपको हमारा मोबाइल ऐप इक्विटी कम्युनिटी को प्ले स्टोर से डाउनलोड करना होगा, नहीं तो उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, वहां पे आप डाउनलोड करके हमारे कोर्स पे विजिट कर सकते हैं। और हमने कोर्स को इस तरीके से डिजाइन किया है कि आप एज ए इंडिपेंडेंट ट्रेडर काम कर सकते हैं, खुद से अपना ट्रेडिंग डिसीजंस ले सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे आपको टेक्निकल एनालिसिस का कोर्स मिलेगा, चार्ट पैटर्न, कैंडलस्टिक पैटर्न, स्टॉक मार्केट का बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक सारा कुछ वहाँ पे आपको डिटेल से कोर्स मिल जाएगा। तो एक बार आप हमारा मोबाइल ऐप डाउनलोड करके जरूर विजिट कीजिए, और अगर आपको पसंद आया तो आप इनरोल भी कर सकते हैं। और हमने कोर्स को इस तरीके से डिजाइन किया कि आप स्टॉक मार्केट में पार्ट टाइम कैरियर भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे हम आना चाहेंगे कि आपको कब ट्रेड लेना, ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन के बाद ही ट्रेड लेना। तो हम ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, तो जब भी आपका रेंज बाउंड मार्केट आता उसके बाद जनरली हमें ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देखने को मिलता ही है। तो जब भी आपका रेंज बाउंड मार्केट हो तो उस टाइम पे आपको थोड़ा सा पेशेंस रखने की जरूरत है, जल्दबाजी नहीं करना। जैसे आपका यहाँ पे पैरेलल चैनल हो, इसके ऊपर निकला, तो यहाँ पे हम ब्रेकआउट के लिए जा सकते हैं, और यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, कॉल ऑप्शंस बाइंग करना प्रेफर कर सकते हैं। नीचे आया तो यहाँ पे हम पुट ऑप्शंस बाइंग करना प्रेफर कर सकते हैं, लेकिन स्ट्राइक प्राइस का सिलेक्शन भी जरूरी है, हमेशा आपको इन द मनी ही स्ट्राइक प्राइस का सिलेक्शन करना है। जैसे इस पर्टिकुलर वीजन पे देख सकते हैं प्राइस आपका ऊपर निकला है, और लगभग यहाँ पे हमें 43,000 के आसपास क्या देखने को मिला, हमें ब्रेकआउट देखने को मिला, यहाँ पे हम एंट्री ले सकते हैं। अगर आप 43,000 के स्ट्राइक प्राइस के सिलेक्शन करते हैं या फिर 42,900, यहाँ पे आपको अच्छा खासा प्रॉफिट मिलेगा। वहीं इसके जगह अगर आप 43,500 या फिर 43,800 के स्ट्राइक प्राइस का सिलेक्शन करते हैं तो आपको नेग्लिजिबल या फिर कुछ भी प्रॉफिट मिलता हुआ नहीं दिख सकता है। तो ऐसे ही आपको बस तीन चीज ध्यान रखना है, उसके अलावा और ज़्यादा कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं है। इसी तीन चीज के जरिए आप ऑप्शंस बाइंग में प्रॉफिट बना सकते हैं। यहाँ भी प्राइस में कॉन्ट्रैक्शन है, जब तक कॉन्ट्रैक्शन है तब तक आपको पेशेंस के साथ ट्रेडिंग अवॉइड करना है। लोग यहीं पे पेशेंस नहीं रख पाते, मार्केट आपको हमेशा अपॉर्चुनिटी देता है, आपके अकॉर्डिंग मार्केट चलेगा तभी आपको ट्रेड लेना, आपको मार्केट के पीछे नहीं भागना है। तो यहाँ पे आप मार्केट के पीछे भागोगे इस बीच में तो नुकसान हो सकता है। अब यहाँ पे मार्केट आपके अकॉर्डिंग आया, ब्रेकआउट दिया है, तो यहाँ पे आप
कॉल ऑप्शंस बाई करके आसानी से प्रॉफिट बना सकते हो। और यहाँ पे भी हम 42,900 जो कि आपका स्लाइटली इन द मनी है उस स्ट्राइक प्राइस का सिलेक्शन करके प्रॉफिट बना सकते हैं। तो ऐसे ही आपको बस तीन पॉइंट जो मैंने आपको बताया वही चीज ध्यान रखना है, फिर आप ऑप्शंस बाइंग से प्रॉफिट बना सकते हैं। और इस वीडियो से रिलेटेड कुछ भी डाउट या फिर कंफ्यूजन हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सो उम्मीद करते हैं आपको हमारा वीडियो पसंद आया। अगर आपको वीडियो पसंद आया प्लीज वीडियो लाइक करके हमें इनकरेज कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप वीडियो मिस ना करें। सो दैट्स ऑल फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।